बदल गया सब कुछ, बदल गई अनुपमा की कहानी, फिर से एक बार नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेल इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से हमेशा गुदगुदाने के लिए तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल की। सोमवार का एपिसोड लीप के बाद भूमिका बनाने के नाम पर रहेगा। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर सीरियल के 15 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होगी उस सीन से, जिसमें अनुपमा की आंख एक खुशनुमा सपने के साथ खुलेगी। एक सपना जिसमें वो देखेगी कि वो अपनी बेटी आद्या के साथ मंच पर परफॉर्म कर रही है। उसका पति अनुज और बा बापू जी दोनों परफॉर्मेंस देखने आए हुए हैं, लेकिन जब उसकी आँख खुलेगी तो वह सामने वर्तमान की हकीकत देखेगी। सीरियल में कुल 6 माह का लीप आया है, जिसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है। अनुपमा एक वृद्धाश्रम की संचालक है और अनुज कबाड़िया की कहीं कोई खोज खबर नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि अनुज जब आद्या की फिक्र में वापस घर जाएगा तो उसकी टैक्सी खराब हो जाएगी। इसी बीच अनुपमा कॉल बैक करेगी तो अनुज फोन को बार बार आद्या का नाम लेकर छोड़ देगा। अनुपमा ये तो समझ जाएगी कि आद्या को कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। अनुज जब गाड़ी खराब होने पर दौड़ता हुआ घर जा रहा होगा, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ठीक इसी मौके पर इधर अनुपमा का भी कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब वर्तमान में अनुपमा भी छड़ी का सहारा लेकर लंगड़ा कर चलती हैं। शाह निवास को छोड़कर वनराज और उसका परिवार एक आलिशान फ्लैट में रहता है। एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। वनराज अब अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगा है, लेकिन परिवार में अब कौन कौन है ये नहीं दिखाया गया। इसका अपडेट जल्द बताया जाएगा। इसके अलावा अनुपमा की ज़िंदगी में कई नए किरदार जुड़ चुके हैं, जिसमें कई जानवर भी हैं। एक लड़का है जो अनुपमा के साथ वृद्धाश्रम में देखभाल करता है। ये लड़का अनुपमा को बार बार यही याद दिलाता रहता है कि डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए बोला है, कि वो ये ऑपरेशन करवा क्यों नहीं लेती, इसे बार बार टालना गलत होगा। अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।